सतगुरु मेरा सूरमा करे शबद की चोट मारे गोला प्रेम का और हरे भरम की खोट रे साधो रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। सायंकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए आरंभ करें। पहले नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हम गर्जना करें। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जना। सीताराम नाम महाराज की। अपने दाहिनी ओर गणेश जी का स्मरण करें। ओम गं गणपतये नमः। बाईं ओर गुरुदेव का स्मरण करें। ओम अस्मद् गुरवे नमः। ओम परम गुरुवे नमः। ओम परमेष्ठ गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। सामने भगवान अपने इष्ट का स्मरण करें। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्राय नमः। अपने अपने जलपात्र के नीर के सतह पर त्रिकोण की रचना करें। विद्या की इच्छा वाले मध्य में ऐं बीज लिखें। धन की कामना वाले ह्रीं बीज लिखें। जो लोग विजय की आकांक्षा वाले हैं वो क्लीं बीज लिखें। जो लोग मुक्ति की कामना वाले हैं भक्ति की कामना वाले हैं वो मध्य में ओम बीज लिखें। अपने बाएं हाथ की हथेली में वम बीज लिखे। उंगलियों को मिला दें, अंगूठा को अलग करें। मत्स्य मुद्रा बनाकर जल पात्र के ऊपर रखें, उसे ढक दें। सुधा बीज का 12 बार पाठ करें, अंगूठे को चलाते रहें। ओम वाम 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 वाम। हो गया, उस जल की पूजा कर दीजिए। चंदन हो चंदन चढ़ावें। ओम सर्व तीर्थेभ्यो नमः।
अक्षत चढ़ा दीजिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। तुलसी दल अथवा पुष्प जो हो चढ़ा दें। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। तुलसी दल से अथवा दुर्वा के अंकुर से या पुष्प से अपने ऊपर जल का प्रसेक करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सो बाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्ष। आसन को पवित्र करें। आसन के चारों कोनों में जल का प्रसेक करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। आसन के नीचे बुंद जल गिरा दें। ओम भूदेव्यै नमः। ओम आधार शक्त्यै नमः। एक पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। अब रक्षा के लिए अपने चारों तरफ गोल रेखा बना दीजिए। राम मंत्र को बोलते हुए गोल खींच दीजिए। ओम राम मंत्र मन ही मन बोलें। आसन के चारों तरफ जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे घेरा बना दीजिए। दसों दिशाओं में रक्षा का विधान कर दें। पूर्व में ओम रांग रक्षतु पूर्वस्याम। ओम रांग रक्षतु आग्नेयाम। ओम रांग रक्षतु दक्षिणस्याम। ओम रांग रक्षतु नैऋत्याम। ओम राम रक्षतु पश्चिमे। ओम रांग रक्षतु वायव्याम। ओम रांग रक्षतु उत्तरस्याम। ओम रांग रक्षतु ईशान्याम। ओम रांग रक्षतु ऊर्ध्वम्। ओम रांग रक्षतु अधः। चलिए हाथ में जल लीजिए। तीन बार आचमन करिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हाथ धो लीजिए, पोंछ लीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। हे गुरु शक्ति, मेरी अंगुली पकड़कर साधना के पथ पर ले चलें। परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे जगदीश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ। मुक्ति के पथ पर मैं चलूं, इसके लिए मेरे पथ को मंजुलमय, विघ्नहीन और प्रशस्त बना दें। अपने दोनों कुल के पितरों को याद करिए। हे मेरे मातृ एवं पितृकुल के पितरों, उभय कुल के संपूर्ण देवी देवताओं, आप सबको नमस्कार। हमें साधना के लिए अनुमति एवं आशीर्वाद प्रदान करें। देवभूमि बड़ला के समस्त देवी देवताओं, बाबा जी महाराज हमारी रक्षा करें।
हम साधना के पथ पर चल सकें। अपने मन को हृदय देश में बुलाइए। हे मेरा मन, तू जहाँ कहीं भी हो आ जा, मेरे हृदय देश में समा जा। प्रकृति को आदेश दीजिए, हे देवी प्रकृति, मैं साधना में जा रहा हूँ, मेरे शरीर को, इंद्रियों को, अंग प्रत्यंगों को संभाल कर रखना। अब अपनी चेतना को दोनों नासिका के द्वार पर बैठा दीजिए। जो श्वास बाहर से भीतर आती है, भीतर से बाहर जाती है, उसके प्रकार को जानिए। प्रकार को जानने का आशय यहाँ पर यह है, गिनती गणना करते हुए श्वास पीजिए। एक दो ऐसे गिनते हुए श्वास को भीतर लें, गिनते हुए ही श्वास को बाहर ले जाएं। दो गिनती में श्वास भीतर आती है, दो गिनती में बाहर जाती है, यह सहज एवं स्वाभाविक श्वास है। लेने में 2 सेकंड और रेचन करने में भी 2 सेकंड लगते हैं। इस स्वाभाविक श्वास को अस्वाभाविक बनाना है। चार गिनती में श्वास को भरिए, चार गिनती में बाहर निकालिए। गणना ठीक वैसी ही हो जैसे घड़ी के कांटे चलते हैं। 1, 2, 3, 4 श्वास भरिए और निकालिए तो इसी क्रम से 1, 2, 3, 4 चार गणना में श्वास को भीतर आने दीजिए, चार गणना में बाहर जाने दीजिए। इसी का अभ्यास कीजिए। अब आप देखिए, जब आप श्वास को भरते हैं तो क्षण भर भीतर रुक जाते हैं, तभी बाहर श्वास को निकालते हैं। श्वास के निकलने पर क्षण भर बाहर ही ठहरते हैं, उसके पश्चात फिर श्वास को भीतर पीते हैं। इसका अनुभव करिए। 1, 2, 3, 4 एक क्षण रुक जाते हैं, फिर बाहर करते हैं। 1, 2, 3, 4 एक क्षण बाहर रुक जाते हैं, फिर भीतर आते हैं। इसका अनुभव करिए। अब यह जो भीतर में आप रुकते हैं उसको 2 क्षण तक रोकिए।
बाहर भी जो रोकते हैं उसको भी दो क्षण रोकिए, चार गिनती में श्वास को भरिए, दो गिनती में भीतर रोकिए, फिर चार गिनती में बाहर करिए, फिर बिना श्वास के बाहर ही दो गिनती तक रुकिए, फिर से यही कार्य दोहराइए। अब श्वास को चार गिनती तक रोकिए, चार गिनती में भरिए, चार गिनती में रोकिए, चार गिनती में बाहर निकालिए, और बाहर निकाल कर बाहर ही चार गिनती गिन लीजिए, फिर श्वास को भरिए, चार 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 चार। पूरक की मात्रा को और लंबा करने के लिए छह गिनती तक गणना करके फिर श्वास को भरिए, चार गिनती तक रोकिए, छह गिनती में बाहर करिए, चार गिनती में बाहर रोकिए, श्वास भरिए, एक दो तीन चार पाँच छः, भीतर रोकिए चार गिनती, एक दो तीन चार, बाहर करिए छह गिनती, एक दो तीन चार पाँच छः, बाहर ही रोकिए, एक दो तीन चार। इसी क्रिया का अभ्यास करिए। अब श्वास की धारा को नासिका के द्वार से इस प्रकार छह गिनती में खींच कर लाइए कि मन कंठ तक पहुंच जाए। नाक के द्वार से श्वास को खींचते जाइए, गिनती गिनते जाइए और भीतर कंठ तक जाइए। वहां चार गिनती तक रुकिए, फिर एक दो तीन चार ऐसे गिनते हुए छह गिनती तक आप नाक के द्वार तक आ जाइए। अब बाहर ही चार गिनती तक श्वास को रोक दीजिए, फिर नासिका के द्वार से हवा को लेकर कंठ तक जाइए।
कंठ में चार गिनती तक रुकिए, फिर श्वास के साथ में गिनती करते हुए नाक के द्वार तक आइए। इसी का अभ्यास करिए। अब श्वास को छह गिनती में तो भरिए और कंठ में चार गिनती तक रोकिए, किंतु अब श्वास को जब बाहर निकालेंगे तो मन को बाहर मत ले जाइए, चेतना को कंठ में ही बैठा कर रखिए। छह गिनती में श्वास को उसी स्थान पर खींचिए, चार गिनती तक रोकिए, फिर उसी स्थान पर मन को रखकर श्वास को बाहर निकालिए। बाहर छह गिनती में निकाल देने के बाद चार गिनती तक बिना श्वास के रुकिए और उसी स्थान पर पुनः छह गिनती में श्वास को खींचिए, अर्थात मन को कंठ से नाक तक नहीं लाना ले जाना है, कंठ में ही मन को बैठा कर रखना है और श्वास को छह गिनती में खींचें, चार गिनती में रोकें, छह गिनती में बाहर करें, चार गिनती में रोकें। इसका अभ्यास करिए। श्वास को छह गिनती में इस प्रकार खींचें कि इच्छा भर श्वास कंठ तक आ जावे और चार गिनती तक रोकने के बाद श्वास को इतनी गति से बाहर ले जावें कि छह गिनती में पूरी निःश्वास धारा बाहर चली जाए और कंठ में ही मन रखकर चार सेकंड तक बिना श्वास के रहना है, फिर खींचना है। आपका मन कंठ देश में स्थिर है, ये ठीक है कि नहीं इसका आप पता लगाइए। जब कंठ देश में वायु को खींचेंगे तो कंठ स्थान पर ठंडा ठंडा लगता होगा, अनुभव करिए तो समझिए आपकी चेतना कंठ में है। वायु को जब बाहर करेंगे तो गरम गरम लगेगा कंठ में ही, तो समझिए आपकी चेतना कंठ में निविष्ट है।
इसी क्रिया को करिए। इसका अनुभव हो गया तो मन को कंठ से नीचे हृदय तक ले जाइए। आठ गिनती गिनकर श्वास को खींचिए, हृदय तक जाइए। कंठ से ही खींचते हुए हृदय तक जाइए। आठ गिनती में हवा को बाहर करिए तो हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक मन को लाइए, ले जाइए। कंठ देश में मन को बैठा कर श्वास को खींचते जाइए और एक दो ऐसे गिनते हुए हृदय तक जाइए। चार गिनती तक रुकिए, श्वास को फिर निकालते हुए आठ गिनती तक गिनते हुए कंठ तक आ जाइए। मन का आवागमन कंठ से हृदय, हृदय से कंठ तक ही होवे। आपका मन कंठ से हृदय तक यात्रा कर रहा है अथवा नहीं, इसका पता लगाइए। कंठ से वायु को खींचते हुए हृदय तक जाएंगे तो शीतल शीतल, ठंडा ठंडा श्वास नलिका में अनुभव होगा। हृदय से कंठ तक आने में, रेचन करने में गरम गरम स्पर्श श्वास नलिका में होगा, इसका अनुभव करिए। अनुभव हो गया तो अब गणना छोड़ दीजिए। गणना के स्थान पर नवायण मंत्र का उपयोग करिए। कंठ देश से नवायण मंत्र बोलते हुए हृदय तक जाइए। हृदय देश से नवायण मंत्र बोलते हुए कंठ तक आइए। कंठ से हृदय तक जाने में इस क्रम से बोलिए नौ अक्षरों को कि हवा पूरी हो जाए, और हृदय से कंठ तक आने में पूरी हवा बाहर आ जावे। इसी का आवर्तन कीजिए।
श्वास की नलिका को थोड़ा सा संकुचित करके रखें, वायु भरते समय निकालते समय भी श्वास नलिका को संकुचित करेंगे, थोड़ा सा दबाकर रखेंगे तो श्वास लेते समय में घर्षण होगा, श्वास को कंठ से हृदय तक ले जाएंगे तो घर्षण होता हुआ श्वास प्रवाह हृदय तक जाएगा और हृदय देश से कंठ देश तक निःश्वास धारा को बाहर फेंकने के लिए आएंगे तो भी घर्षण होगा। आप चाहें तो एक नवारण मंत्र बोलकर श्वास को खींचें, एक नवारण मंत्र तक हृदय देश में रोकें, एक नवारण मंत्र से निःश्वास को बाहर करें और बिना श्वास के कंठ देश में एक नवारण मंत्र बोलकर रुके रहें। अर्थात श्वास को पी करके हृदय में एक नवारण मंत्र बोलकर रुकें, कुंभक करें और जब रेचक हो जाएगा हवा को बाहर कर लेंगे तो कंठ देश में आप शून्य करेंगे, बिना श्वास के रुकेंगे। अब अपने मन के तीन खंड बनाने हैं। मन के एक भाग से श्वास को कंठ से हृदय तक लाने में लगाना है, मन के एक भाग से नवारण मंत्र को जपना है और एक भाग से ये अनुभव करते जाना है कि इसमें घर्षण हो रहा है, गरम गरम तेज उत्पन्न हो रहा है, उस तेज को आप हृदय के भीतर जो नाड़ियां हैं उससे सोखते भी रहें। आरंभ करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामुं डायै भी जे हृदय में गए अब वहाँ रोकिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामुं डायै भी जे अब निकालिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामुं डायै भी जे अब बिना श्वास के रुक जाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामुं डायै भी जे चार भाग में मंत्र को जपना है। श्वास नलिका में श्वास के आने जाने से घर्षण होगा, रगड़ होगी, ये रगड़ से तेज उत्पन्न होगा। अपने नस नाड़ियों को आदेश देंगे कि इन तेज को सोख कर पूरे शरीर में फैलाते जाओ। ये शक्ति साधना है, मंत्र मन और श्वास तीनों के आघात प्रतिघात से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने जाने से घर्षण से जो तेज उत्पन्न होगा वो ये मंत्र की शक्ति है। उस शक्ति को शोषण करें, परिशोषण करें, जितना आप घर्षण करके तेज उत्पन्न करेंगे
उतना ही आप में शक्ति का संचय होगा, शक्ति का भंडार पूर्ण होगा, भरेगा। मन का एक खंड और बनाइए। मन के एक भाग से वह जो मंत्र आप बोलते हैं उनको मन से देखते जाइए। ऐम बोलें तो ऐम को देखें, ह्रीम बोलें ह्रीम को देखें, क्लीम बोलें मन में ही बोलना है तो क्लीम देखें, चामुंडा यही बोलें तो उसे देखें, नमः बोलें बिच्चे बोलें तो उसे देखें। बस इसका अभ्यास आप घर में करेंगे। अब अपने मन को मस्तिष्क के भीतर शिरोदेश में ले जाइए। सिर की खोपड़ी के नीचे मस्तक के बीचों बीच, सिर के बीचों बीच भीतर में वहाँ केवल ज्योति का ध्यान करिए। ध्यान करिए का अर्थ है चिंतन करिए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेजः पुंज है, उसे कल्पना से देखना है। कल्पना करिए आपके सिर के भीतर सूर्य सदृश तेज की राशि है, पुंज है, समूह है। कल्पना से ही देखें, जैसे 12 बजे के सूर्य में प्रखर तेज होता है, ऐसे ही अपने मस्तिष्क के भीतर प्रखर तेज का मन से अवलोकन करें, चिंतन करें। वहाँ से सीधे धीरे 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 अपने मन को हृदय देश में ले आइए। दीप की कलिका के समान, दीप की ज्योति के समान ज्योति को
हृदय देश में देखिए, दीप की ज्योति के समान ज्योति को हृदय में चिंतन करिए, कल्पना से देखिए एक दीप लव के आकार में ज्योति मेरे हृदय देश में है। यह ज्योति आत्म ज्योति है, अभ्यास करते करते प्रत्यक्ष हो जाती है। धीरे धीरे हृदय देश से नीचे मन को लाते जाइए, हृदय देश से नाभि की ओर, नाभि से नीचे पेड़ू की ओर, पेड़ू से नीचे गुदा द्वार से दो अंगुल ऊपर, रीढ़ की हड्डी से सटाकर एक ज्योति को देखिए, वहाँ भी ज्योति का ही चिंतन कीजिए। जैसे बिजली कौंधती है, चमकती है रेखा के आकार में, ऐसे ही लंबायमान रेखा के आकार में ज्योति का चिंतन करिए। विद्युत ज्योति के समान प्रकाश पुंज का वहाँ भी ध्यान करिए। अब इस विद्युत ज्योति के समान ज्योति को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए, कल्पना करिए सुषुम्ना पथ से हम ऊपर की ओर हृदय की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे उस ज्योति को ऊपर उठाते जाइए, पेड़ू से ऊपर नाभि, नाभि से ऊपर हृदय देश में। पहले जहाँ दीप की कलिका के समान ज्योति का ध्यान किया था, उसी से इस नीचे से लाई गई ज्योति को मिला दीजिए, एक हो गई। थोड़ी देर उसी अवस्था में बैठे रहिए, एक ही ज्योति है। अब इन दोनों ज्योतियों को जो एकम एक हो गए हैं, हृदय देश से धीरे धीरे कल्पना करिए कि हम सुषुम्ना मार्ग से ही मस्तिष्क के भीतर जहाँ सहस्त्रों सूर्य की चकाचौंध के समान ज्योति राशि का चिंतन किया, वहीं इसको लिए जा रहे हैं। ले जाइए और उसे ज्योति में, हृदय से ले जाई गई ज्योति को भी डूबो दीजिए। कुछ नहीं, अब एकमात्र ज्योति है मस्तिष्क के भीतर, इस एक ज्योति में मन को टिका कर रख दीजिए। मस्तिष्क के भीतर मन रखिए। अब जैसे जैसे हम उच्चारण करें आप भी बोलिए, ओम भूत श्रृंगाटात शिरः सुषुम्नापथेन
जीव शिवम परम शिव पदे योजयामि स्वाहा। ओम यम लिंग शरीरम शोषय शोषय स्वाहा। ओम रम संकोच शरीरम दह दह स्वाहा। ओम परम शिव सुषुम्ना पथेन मूल श्रृंगाटम उल्लस उल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोहम हंस स्वाहा। चुपचाप शांति से बैठ जाइए। अब जो महाज्योति में निम्न देशस्थ चेतना को एकमेक किया था, कल्पना से ही उस ज्योति को फुटा लीजिए, अलग करिए, और जिस पद से ऊपर गए थे उसी पद से मन को धीरे धीरे लाइए, ज्योति को लाइए, हृदय देश में स्थापित कर दीजिए। यहाँ पर दीप की ज्योति के समान, लव के समान ज्योति को स्थापित करके एक ज्योति को फुटा लीजिए जो विद्युत के चमक के जैसी थी, उसे जैसे नीचे से आए थे वैसे ही नीचे ले जाइए। विद्युत रेखा के समान इस ज्योति को नीचे ले जाकर उसे स्थान में पधरा दीजिए। अब अपने मन को बाहर, सिर से बाहर ऊपरी भाग में ले जाइए। हमारे साथ नवायण मंत्र का पाठ करें, पांच पांच बार पाठ करेंगे। जहाँ जहाँ हम मन को ले जाने को बोलेंगे वहाँ वहाँ आप ले जाना। सिर के ऊपर मन को ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। 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 अब अपने मन को कपाल पर ले आइए। थोड़ी गति को तीव्र करनी है, एक बार सुन लीजिए, उसी लय में बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। चलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं। बहुत लंबा मत करिए, ओम ऐं ह्रीं, ऐसे जरा सा जल्दी बोलना है, बहुत जल्दी भी नहीं, मध्यम, जैसे सुनिए उसी के संग मिला के बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। ओम ऐं।
अब मन को दाहिनी आँख में ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। पांच पांच बार बोलना है। जहाँ जहाँ हम नाम ले में उस अंगों पर मन को ले जाया करिए और उसी स्थान पर मंत्र जपेंगे। अब मन को आप बाईं आँख में ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। दाहिनी कान में ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। अब बाएं कान में ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। दाहिने नासा पुट में लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै 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 वेचे। जब आप मंत्र जपें, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उन अक्षरों को उस अंग में बैठाते जाएं, लिपि को निहारें मन से। यदि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो जो मंत्र जपते हैं उसको कान से बड़े प्रेम से सुनें और मन को उस अंग में बैठा कर रखें, बाईं नासा पुट में, अर्थात बाईं नाक में ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। अब दाहिने कपोल गाल में ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। बाईं गाल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। अब ऊपर के ओंठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे। नीचे के ओंठ में, निचले ओंठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वेचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये बीचे, अब भीतर ले जाइए मन को, ऊपर की दंत पंक्ति में मन को घुमाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै वीचे। अब निचले दंत पंक्ति में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं जीभ में मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। अब ऊपर तालु में मूर्धा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। कंठ में भीतर भीतरी भाग में अब चलना है, कंठ के भीतर जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। अब हृदय देश में मन को लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। नाभि में मन ले जाइए, भीतरी भाग में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। नीचे तलपेट में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। अब नीचे मूल द्वार में मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे। अब मेरुदंड के भीतर प्रवेश करना है, रीढ़ की हड्डी के भीतर, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में मन को ले जाना है। और यह कल्पना करिए कि मेरुदंड के भीतर में पोल है, उसी पोल से आपको ऊपर जाना है। निचले भाग में मन रखे, बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा भीचे ओम ऐं चामुंडा भीचे ओम ऐं। अब जो प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग माने इंद्रिया, उसके ठीक पीछे और मेरुदंड के भीतर मन रखिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब नाभि से ठीक पीछे मेरुदंड के भीतर मन रखिए, वहीं जपिए मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब हृदय के ठीक पीछे किंतु मेरुदंड के भीतर मन रखिए और जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै। अब ये जो कंठ कूप है उसके ठीक पीछे मेरुदंड के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब ए दोनों भावों के बीच उसके ठीक सीधे पीछे शिखा स्थान के नीचे भीतरी भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब मन को मस्तिष्क के भीतर ले जाए, मस्तिष्क के भीतर बीचों बीच ऊपरी भाग में भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अभिधार भ्रिकुटी मध्य में दोनों भावों के बीच मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब वहाँ से नासिका के द्वार पर चले आइए, श्वास श्वास नलिका के द्वार पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ठोड़ी में अब शरीर के बाहरी भाग में मन की यात्रा करानी है। जिस जिस प्रधान अंगों में नाम का उच्चारण किया जाए वहाँ वहाँ मन को ले जाना है बाहरी भाग में, और उसी स्थान पर मन को रख कर मंत्र जपना है। कंठ में बाहरी भाग में कंठ में लाइए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं जे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अब नीचे इधर कंधे की ओर मन ले जाइए, दाहिने कंधे में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। दाहिनी भुजा में मन ले जाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अब दाहिने हाथ की कोहनी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अब दाहिने हाथ के कलाई पर मन ले जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अपने दाहिने हाथ के हथेली पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं जे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अब दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। दाहिने हाथ के करतल पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अब आप मन को बाएं कंधे पर ले आइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। अब दाहिने हाथ के भुजा पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं जे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। बाएं हाथ की कोहनी पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब बाएं हाथ की कलाई पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। अब बाएं हाथ के पृष्ठ भाग पर हथेली के पृष्ठ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। अब बाएं हाथ की हथेली पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। आप पीछे गर्दन पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। गर्दन के नीचे जो हड्डी है मेरुदंड की उभरी हुई, जिसे ककुद बोलते हैं, डिल्ला, उस पर मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं चामुण्डायै विद्महे। पीठ के मध्य भाग में, पीठ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं जे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। अब कमर पर घुमा लीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। दाहिने कुल्हे पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं जे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। अब बाएं कुल्हे पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। अब सामने आ जाइए, दाहिने स्तन पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। अब बाएं स्तन पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। अब हृदय देश में दोनों स्तनों के बीच में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं नाभि में मन ले आइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे दाहिनी बगल में दाहिनी ओर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे अब बाईं बगल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे दाहिनी कुक्षी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे अब बाईं कुक्षी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै वेचे अब प्रजनन इंद्रिय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे अब गुदा भाग में मल द्वार में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं अब दाहिने जांग में मन ले जाइए वहीं मंत्र जपिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं अब बाईं जांग में मन ले आइए वहीं जपिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं अब दाहिने घुटना में मन ले आइए वहाँ जपिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै बेचे ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे। अब बाईं ओर के घुटना में मन लाकर जपिए ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे 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 ओ मैं ह्रीं। अब दाहिने पांव के पिंडली में मन ले आइए जपिए ओ मैं ह्रीं क्लीं बेचे ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओ मैं बेचे ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे। बाईं ओर की पिंडली में पांव की पिंडली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बेचे। अब दाहिने पांव के टखने में ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे 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 ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे। अब बाएं पांव के टखने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब बाएं पांव के टखने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे। दाहिने पांव के पद के ऊपर पृष्ठ भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे। बाएं पांव के पद के पृष्ठ भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे। दाहिने पांव की पग तली में तलुआ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै 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 बेचे। बाएं पांव की पगतली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बेचे ओम ऐं चामुंडायै बेचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडायै बेचे। नेत्र बंद रखिए। आप अपने शरीर के भीतर में
शक्तियाँ जो प्रसुप्त हैं वे उद्बुद्ध हो जाएं। शरीर के भीतर में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उनका मंच से नाम लिया जाएगा। आप अपने मन को जहाँ जहाँ मंच से निर्देशन होगा वहाँ वहाँ ले जाएंगे, वहाँ वो शक्ति उद्बुद्ध होगी, जागृत होगी। यह शक्ति साधना है। अब शरीर के भीतर क्या क्या शक्तियाँ हैं जिन्हें आप साधेंगे, जगाएंगे, तो इसके लिए नेत्र बंद कर लीजिए। हाथों को चाहे तो घुटना पर रखिए या गोदी में रखिए। जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ मन को आप रखते जाएंगे। अपने मन को गुदा द्वार के दो अंगुल ऊपर मूलाधार में मन को रखिए और बोले ओम मम मंडूकाय नमः। अब मूत्रेंद्रिय के पीछे भीतर वहाँ पर मन ले जाइए। बोले ओम काम कालाग्नि रुद्राय नमः। स्वाधिष्ठाने अब नाभि में मन लाइए। ओम कम कच्छपाय नमः। नाभौ ओम आं आधार शक्तये नमः। हृदय हृदय में मन ले आइए। अब मन को हृदय में ही बैठाए रहिए और जो जो नाम लें उनको आप बोलेंगे और शक्ति को तेज के रूप में देखते जाएंगे। बोले ओम आम आधार शक्तये नमः। हृदि ओम ऊं प्रम प्रकृतये नमः। हृदि ओं कुं कुर्माय नमः। हृदि ओम आं अनंताय नमः। हृदि ओं प्रीं पृथिव्यै नमः। हृदि ओं क्षीं क्षीरसागराय नमः। हृदि ओम राम रत्नद्वीपाय नमः। हृदि ओम मम मणिमंडपाय नमः। हृदि ओम कम कल्पवृक्षाय नमः। हृदि ओम मम मणिवेदिकायै नमः। हृदि ओम हेम हेमपीठाय नमः। हृदि अब मन को स्थान दक्षिणास्कंधे। अब मन को बाएं कंधे में लाना है। ओम ज्ञान ज्ञानाय नमः। बामस्कंधे अब मन को बाएं जांघ में ले आना है। ओम वैम वैराग्याय नमः। बामो रौ अब दाहिने जंघे में ले आइए। ओम ऐम ऐश्वर्याय नमः।
दक्षिण हो रहो। अब मन को मुख में ले आइए, बोले ओम अं अधर्माय नमः मुखे। अब मन को बाएं पार्श्व में ले आइए, ओम अम अज्ञानाय नमः बाम पार्श्वे। अब मन को नाभि में लाइए, ओम अम अवैराग्याय नमः नाभौ। अब मन को दाहिने पार्श्व, पार्श्व माने बगल में ले आइए, ओम अम अनैश्वर्याय नमः दक्षिण पार्श्वे। अब हृदय में मन ले आइए और ये जो शक्तियां हैं इन्हें आप ज्योति के रूप में भीतर देखते जाएं। भावना करें कि एक सुंदर बिछौना है हेम पीठ के ऊपर में, आ वो शक्ति अनंत है। बोले ओम तम तल्पाकाराय अनंताय नमः। अब उसी के ऊपर में आनंद रूप आत्मा का दर्शन करें ज्योति के रूप में, ओम आं आनंद कंदाय नमः। अब वहीं पर एक कमल की डाँटी, कमल की नली ऊपर उठ रही है, ऐसी कल्पना करें वो शक्ति है, ओम सम संबिन्नालाय नमः। उस नाल के ऊपर में सुंदर कमल का पुष्प देखें कल्पना से, वो शक्ति ही है, ओम सम सर्वतत्वात्मक पद्माय नमः। ये जो कमल है उसमें जो दल हैं वो प्रकृतिमय हैं, ओम प्रम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। उसमें जो केसर हैं वो विकारमय हैं, विकार रूप हैं, प्रकृति के जो विकार हैं वही केसर रूप में है, ओम बिम विकारमय केसरेभ्यो नमः। भीतर में जो कोश है ये सब शक्तियां ही हैं ज्योति के रूप में देखें, ओम पम पंचाशद बीजाढ्य कर्णिकायै नमः। हाँ, उसे कमल के कोश के भीतर में तीन मंडलों की कलाओं का स्थापन करना है, ओम अम सूर्य मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। अब बोलते जाइए, ओम कम भम तपिन्यै नमः, ओम खम भम तापिन्यै नमः, ओम गम फम धूम्रायै नमः, ओम घम फम मरीच्यै नमः, ओम गम नम ज्वालिन्यै नमः, ओम चम धम रुच्यै नमः, ओम छम दम सुषुम्नायै नमः, ओम जम धम
भोगदायै नमः। ॐ झं तं विश्वायै नमः। ॐ यं णं बोधिन्यै नमः। ॐ ठं ढं ॐ टं ढं धारिण्यै नमः। ॐ ठं डं क्षमायै नमः। ॐ पुं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः। ॐ अं अमृतायै नमः। ॐ आं मानदायै नमः। ॐ ईं उषायै नमः। ॐ ईं तुष्टै नमः। ॐ उं पुष्ट्यै नमः। ॐ उं रत्यै नमः। ॐ रीं धृत्यै नमः। ॐ रीं शशिन्यै नमः। ॐ ल्रीं चण्डिकायै नमः। ॐ ल्रीं कान्त्यै नमः। ॐ ऐं ज्योत्स्नायै नमः। ॐ ऐं स्त्रियै नमः। ॐ ॐ प्रीत्यै नमः। ॐ औं अङ्गदायै नमः। ॐ अं पूर्णायै नमः। ॐ अः पूर्णामृतायै नमः। वहीं हृदय में ही ॐ रं बह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः। ॐ यं धूम्राचिषे नमः। ॐ रं उष्मायै नमः। ॐ लं ज्वलिन्यै नमः। ॐ वं ज्वालिन्यै नमः। ॐ शं विस्फुलिङ्गिन्यै नमः। ॐ शं सुश्रियै नमः। ॐ शं स्वरूपायै नमः। ॐ हं कपिलायै नमः। ॐ ळं अव्यवाहनायै नमः। ॐ ळं कव्यवाहनायै नमः। हाँ, अब वहीं हृदय में ही सभी गुणों का न्यास करना है। न्यास के साथ ही साथ उन शक्तियों को उद्भूत करना है। ॐ सं सत्त्वाय नमः। ॐ रं रजसे नमः। ॐ तं तमसे नमः। ॐ आं आत्मने नमः। ॐ अं अन्तरात्मने नमः। ॐ पं परमात्मने नमः। ॐ ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। वहीं हृदय में पुनः ॐ मां मायातत्त्वाय नमः। ॐ कं कलातत्त्वाय नमः। ॐ बीं विद्यातत्त्वाय नमः। ॐ पं परतत्त्वाय नमः।
अब बीचों बीच हृदय के ध्यान जमाइए। बोले ओम आदिशक्ति योग पीठाय नमः। अब आदिशक्ति को वही ज्योति के रूप में देखें और धीरे 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 उसे कल्पना से आकार देवें। तो ज्योति ही आकृति का रूप ले लेगी, जिसकी इच्छा होगी वो सरस्वती के रूप में उसे देखेंगे, जिसकी इच्छा होगी लक्ष्मी के रूप में, जिसकी इच्छा होगी काली के रूप में। अर्थात जो विद्या की कामना में ही देखें। ओम स्वागतम देवी देवेशी सन्निधा भव ईश्वरी गृहाण मानसीं पूजां यथार्थ परिभावितां। ओम आदिशक्त्यै नमः। हाँ, अब देखिए कल्पना से ये जो अभी शक्ति पीठ का आप निर्माण कर रहे थे, इन संपूर्ण शक्तियों के ऊपर में वो परतत्वभूत आदिशक्ति ज्योति रूप में विद्यमान है, वही आपकी भावना से मूर्ति का रूप धारण किया है। अब उनके चरणों को कल्पना से देखें, सुंदर चरण हैं, कमल से भी सुकोमल। उनकी अंगुलियां कमल के दल के समान हैं, नखों की ज्योति ऐसा लगता है जैसे कमल दलों पर मोती बैठी हो। आपको केवल चरणों में ही मन लगाना है, चरणों की ही पूजा करनी है। ऊपर देखने का अभी आपको अधिकार नहीं है। भीतर कैसे पूजा करेंगे? आपके शरीर के भीतर जो पृथ्वी तत्व है उसी के परमाणुओं को आप कल्पना से चंदन बना डालिए, देवी के चरणों में उसे लपेट दीजिए, चाहे एक एक उंगलियों पर चढ़ाइए, अंगूठों पर, अथवा पूरे चरणों में लेप कर दीजिए। बोले ओ कल्पना से नाना पुष्पों को, रंग बिरंगे पुष्पों को चढ़ाइए। लाल रंग का ध्यान करके चढ़ावे तो अधिक उत्तम है। ओम हं शरीरस्थ गगन तत्वम पुष्पम प्रकल्प्य भगवत्याः चरणयोः समर्पयामि नमः। अब सुंदर धूप
शरीर के भीतर में जो वायु तत्व है उसी को उत्तम सुगंधित धूप के रूप में उनके चरणों को वासित कीजिए, आघ्रापित कीजिए। बोले ओम याम शरीरस्थ वायु तत्वम धूपम प्रकल्प्य भगवत्याः चरणयोः समर्पयामि नमः। अब दीप दिखाना है, शरीर के भीतर जो तेजस तत्व है उसी को दीप के रूप में कल्पना करें। ओम रम शरीरस्थ तेजस तत्व दीपम प्रकल्प्य भगवत्याः चरणयोः समर्पयामि नमः। अब देवी के आगे भोग परोसे, जल तत्व ही भोग के रूप में है। बोले ओम वम शरीरस्थ जल तत्वम नैवेद्यम प्रकल्प्य भगवत्यै समर्पयामि नमः। अब सभी उपचारों के लिए सभी तत्वों को एक साथ मिलाकर चढ़ा देना। ओम सोहम शरीरस्थ सर्वतत्वानि सर्वोपचाराय भगवत्यै समर्पयामि नमः। अब मंत्र जप्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भीचे, ओम ऐं भीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भीचे, 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भीचे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै भीचे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं भीचे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 भीचे, ॐ ऐं चामुण्डायै भीचे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै भीचे, ॐ ऐं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं भीचे। अब दाहिने हाथ में जल लीजिए। बोले ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं
गृहाण अस्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। जल को समर्पण कर दीजिए, भगवती को दे दीजिए, हाथ जोड़िए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णतां यान्तो प्रसीद परमेश्वरी। जिनका नाम लेने से संपूर्ण जप तप क्रियाकांड पूर्ण होते हैं उन परमेश्वर का मैं नाम लेता हूँ, उनका आश्रय लेता हूँ। हमारे जप तप को, साधना को सफल करें, पूर्ण करें। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जिन देवी देवताओं ने हमारी सहायता की, साधना पूर्ण हुई, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देवभूमि बल्ला के देवी देवताओं, बाबा जी महाराज, आप सब को बारंबार नमस्कार। उसी स्थान से ज्ञानदाता गुरुदेव को साधुवाद करते हुए नमन, साधु साधु साधु। एक दूसरे को सिया राम माया करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, भर्जनम भव बीजाना मार्जनम। आप लोग
आचमन कर लीजिए और पृथ्वी पर एक गुंजल डाल के तिलक कर लीजिए। इसी के साथ आज का यह सायंकालीन सत्र पूर्ण हुआ। बोले राजा रामचंद्र की जय। इह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। रे साधो रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।